हेलो दोस्तों, साक्षी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैंने बनाए हैं गुलगुले, जो सिर्फ चीनी, आटा दो चीज़ों से ही बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं गुलगुले। गुलगुले के लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम चीनी ली है, 200 ग्राम के करीब आटा लिया है गेहूं का, और मैंने 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ ली है हरी वाली, और ये मैंने 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। एक पतीले में मैंने 1 गिलास पानी डालकर गर्म करने रखा है और इसमें चीनी डाल देंगे। इसके अंदर हमने चीनी को घोलना है। चीनी बिल्कुल घुल जाए तब तक इसे गर्म करना है। ये हमारी चीनी घुलने लगी है। अगर आपकी चीनी साफ ना हो और पानी थोड़ा मैला लगे तो इसके अंदर 1 चम्मच दूध डाल दें। दूध से हमारी जो चीनी है बिल्कुल साफ हो जाएगी और जो गंदगी होगी वो ऊपर आ जाएगी। हमारी चीनी में से ये गंदगी ऊपर आ गई है, हम इसे चम्मच से निकाल लेंगे बाहर। आप किसी छन्नी की सहायता से भी इसे बाहर निकाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा आट करके आटा मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह हिलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई गांठें ना बन जाए। इसको एक ही डायरेक्शन में हिलाते रहेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो रहा है, कोई भी हमें इसमें गांठें नजर नहीं आ रही हैं। अगर हमें ये बैटर थोड़ा गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा सा हम पानी भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं। हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें मैं करीब 3-4 बड़े चम्मच पानी डाल रही हूँ। इसका घोल गुलगुले का घोल ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। बिल्कुल पकौड़ों जैसा बैटर होता है, बस थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। ये देखिए हमारा कितना अच्छी तरह से घुला है, इसमें कोई भी गांठ नहीं है। गुलगुले को जितना अच्छा आप फेंटेंगे उतना ही गुलगुले का बैटर जितना फेंटेंगे उतना ही बढ़िया बनेगा। इसे 2-3 मिनट ऐसे ही फेंटते रहिए, इससे ये ठंडा भी हो जाएगा थोड़ा और अच्छी तरह से बाइंड भी हो जाएगा। ये देखिए कढ़ाई में घी गरम होने रख दिया है। आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल में या तेल में किसी में बना सकते हैं। अब हम चेक करते हैं हमारा तेल गरम हुआ है कि नहीं घी। ये देखिए इसका मतलब हमारा घी गरम हो चुका है। अब हम इसमें गुलगुले डालेंगे। आप छोटे या बड़े किसी भी साइज के डाल सकते हैं।
देखिए हमारे सिके हैं, अब इन्हें हम पलट लेंगे। इन्हें ज़्यादा तेज आंच पे नहीं सेकना है, मीडियम गैस पे सेकना है। ये देखिए कितने गोल गोल बड़े बड़े, साइज भी इनका बड़ा हो गया है, फूल गए हैं ये। अब इन्हें ये देखिए ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इनको ज़्यादा काली नहीं करना है,